आपकी बेटी को हम बहू की तरह नहीं लाएंगे, बेटी की तरह ही लाएंगे। यही मैं चाहती हूँ कि बेटी की तरह जाए आपके घर में, बहू बन के ना जाए। ये मेरी तरफ से आप शगुन रख लीजिए। नहीं नहीं कहाँ रह गया ये? और भाई कैसे हो आगे? हाँ जी, हाँ जी। और काम वाम कैसा चल रहा है? बढ़िया भैया, वो थोड़ा लेट ही हो रहा था, मतलब साइड पे था क्या? हाँ साइड पे था, लेट हो रहा था, वर्कर्स छोड़ के आऊँ। बताएं आप, कुछ अर्जेंट बुलाया था? भाई तेरा रिश्ता का बात चल रहा था ना? हाँ चल रहा था। मम्मी तो क्या हुआ, कहीं मम्मी ने करवाया बात बात हुई रिश्ते के लिए? बात तो काफ़ी जगह हुई है बट अभी कहीं कन्फर्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक रिश्ता है, एक लड़की है IPS की तैयारी कर रही है, बहुत अच्छी लड़की है, और उनकी मम्मी को भी एक ऐसा लड़का चाहिए जो वेल सेटल्ड हो। तो तेरा भी इंजीनियरिंग में सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल। तेरा पैकेज भी अच्छा खासा चल रहा है, तो लड़की पहले एक बार तू देख, फिर आगे बताऊंगा क्या कहानी। ये देख रहा है ये? हाँ, लड़की तो अच्छी है। लड़की तुझे पसंद है? हाँ लड़की तो अच्छी है। और तेरे घर वाले को पसंद आ जाएगी? घर वाले से बात कर। देख बात ये है कि लड़की पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, IPS की तैयारी कर रही है, बस थोड़ा सा ना शादी के बाद उसको सपोर्ट करना होगा। नहीं वो तो हो जाएगा, बट उनकी मम्मी से बात हो जाए, और मेरी मम्मी की भी आपको हाँ, दोनों तबीयत खराब हाँ, चल रही है, तो मम्मी की होते में ही शादी हो जाए। मैं तेरे घर गया था, तेरी मम्मी यही तो बोल रही थी ना कि मैं बेटा बीमार चल रही हूँ, जितना जल्दी हो सके मेरे नज़रों के सामने में तेरी शादी हो जाए। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, मम्मी की भी तबीयत खराब है, अगर उनके तो अभी ना, मतलब इसकी मम्मी जो है, इस लड़की की मम्मी जो है बहुत परेशान है, तो अभी यहाँ पे आई हुई है। मैं एक बार तू पहले मिल ले, उनसे बात कर ले, उसके बाद तुम दोनों आपस में एक दूसरे की फैमिली को मिलवा देना। ठीक है, जैसा ठीक है, एक बार मिल लो, आ जाओ। यही आंटी जी, नमस्ते, बैठ जाओ, बैठ जाओ आंटी, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ, कोई नहीं। यही लड़का है, ये इंजीनियर है। बढ़िया, आप बताएं आप कैसे? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? आंटी जी अयान। और उम्र क्या है आपकी? मैम 23। क्या करते हैं? कोई नहीं, बैठ जाओ ना, बैठ के बात कर लो। आपको जो पूछ रहे हैं इससे पूछ लो, सरकारी नौकरी कर रहा है, पैकेज इसका अच्छा है, 1,00,000 रुपये महीना कमाता है, और इससे मैंने ये भी बात कर लिया कि आपकी लड़की जो IPS की तैयारी कर रही है उसमें भी ये बंदा हेल्प करेगा। बहुत अच्छी बात है। घर का मैं कौन कौन है ये सब बता दूँ? कौन कौन है? मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, 2 भाई 1 बहन है छोटी, मम्मी पापा। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो भैया ने बताया जैसे भी सारी चीज़ें वो आपसे क्लियर हो ही जानी है। इनकी मम्मी की ना तबीयत रहती है ख़राब, अच्छा। तो वो चाहती हैं कि घर में एक बहू आ जाए जो देखभाल करे और घर में रहे कम से कम। तो ये इनकी मम्मी से मैं मिला हूँ कई बार, वो ये इसके लिए भी वो रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं। मुझे भी बोल रही थी कि कोई लड़का अगर ऐसा मिलता है तो मुझे बताओ। भैया ने बताया, फिर सारी चीज़ें क्लियर करनी है, अभी थोड़ा मिलजुल के देखते हैं, बाकी अगर बात बनती है तो ओके। बाकी आपके दिल में जो भी है क्लियर कट इससे बात करो, जो आपको बात करनी है इससे आप बात कर सकती हो। देखो बेटा, अभी मेरी बेटी है ना, मतलब 19-20 के लगभग ही है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, और IPS की तैयारी कर रही है, पढ़ रही है, तो अभी थोड़ा सा उसका चंचल दिमाग भी है। अगर आपसे कोई नहीं, आप दोनों थोड़ी देर बात करो, मैं वेट करता हूँ, ठीक है? तो बेटा आपकी मम्मी बीमार रहती हैं, भाई वो यही चाहती होंगी बहू आ जाए तो घर में, मतलब कि उनकी देखभाल के लिए सारी चीज़ें हो जाए। हाँ हाँ मैं समझती हूँ। तो अभी मेरी बेटी तो पढ़ाई कर रही है और 19-20 के लगभग ही है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो थोड़ा सा चंचल दिमाग होता है बच्ची का, उतना समझ नहीं पाएगी जल्दी से, तो आप उसको हैंडल कर लेना। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इतना परेशान नहीं करेगी। और बाकी आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जी बताएं। हमारे उसके पापा ना हमारी लाइफ में 20-25 साल से थे ही नहीं, वो अभी जाके आए हैं हमारे साथ। अच्छा। तो मैं कहा मैं बता दूं आपको, कल को आपको हाँ जी, पता हाँ जी, चले तो आप कहो पहले ही हो जाए तो ज्यादा हाँ, बेहतर रहता है। तो आप कहो जी एकदम से पापा कहाँ से आ गए, तो फिर कल को कोई प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, वो मैं नहीं चाहती। नहीं आंटी देखो, जो भी था आपका या आपकी बेटी का, वो पास्ट था, मुझे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। लाइक अब जो फ्यूचर और प्रेजेंट रहेगा हाँ मुझे उससे मतलब रहेगा। हाँ जी। बाकी अगर मेरी भी लड़की से एक बार बात हो जाए, हम दोनों मिल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको ही पता है सारी चीज़ें क्लियर होके चले तो बेहतर ही रहता है। नहीं नहीं आप चाहोगे तो मैं अपनी बेटी से आपको मिला दूँगी, और आप मिल के उससे जो भी पूछना चाहते हो आप उससे पूछ सकते हो। तो आप जब भी कहोगे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, मैं आपको मिला दूँगी उससे। कोई नहीं कोई नहीं, मैं भैया को बता दूँगा, जैसे भी होगा घर पर अपनी बात करके भैया को मैं सारी चीज़ें बता दूँगा, भैया आपको बता देंगे। ओके।
तो आप फिर जैसे ही मैं होता मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में आपको बताया, जैसे भैया ने, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, पापा हैं, दो भाई है और एक छोटी बहन है। छोटी सी फैमिली है हमारी भी, बाकी मम्मी को भी है कि बहू आ जाए, अपनी आंखों के सामने सारी चीजें हो जाए, एक ख्वाहिश रहती है आप, एक वो तो सबकी रहती है। बिल्कुल, उनकी जगह मैं होंगी तो मेरी भी यही ख्वाहिश होगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अभी तो ये फैमिली छोटी सी लग रही है, लेकिन कल को ये ना हो कि भाई मेरी बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो, भाई ननंद की तरफ से या सास की तरफ से, तो वो देखो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि पहले ही मेरी लाइफ जहन्नम बनी हुई है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, आप उस चीज़, अगर मेरी बच्ची की वजह से थोड़ी सी खुशियाँ आती हैं लाइफ में, तो मैं चाहूंगी वो अच्छे तरीके से आए और मेरी बेटी आपके घर जाके वो परेशान ना रहे कभी। आपकी बेटी को हम बहू की तरह नहीं लाएंगे, बेटी की तरह ही लाएंगे। यही मैं चाहती हूँ कि बेटी की तरह जाए, घर में बहू बन के ना जाए। तो आप इस बात से तो बेफिक्र रहे हैं, बाकी मैं मम्मी पापा से बात करके भैया को सारी चीजें बता दूंगा, आप बेफिक्र रहे इस चीज से। तो ठीक है, आप जब भी मिलना चाहें मैं मिला दूं, बाकी आप मेरी बेटी का पूरा ध्यान रखना, बहुत मैंने उसे नाजों से पाला है, और कैसे पाला वो मैं ही जानती हूं। आपको बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह ले आएंगे। और मैं क्या बोलूँ, भैया को सारी चीजें बता दूंगा कब मिलना है, क्योंकि मैं भी साइड वगैरह पे बिजी रहता हूँ। अच्छा, भैया को सारी चीजें बता के मैं टाइमिंग वगैरह डन कर देना। ठीक है, ओके, हो गई आप लोग की बात? हाँ जी, हो तो बेटा, आपको लड़का कैसा लगा? लड़का देखो, अच्छा, जैसा आप चाहती थी, वेल सेटल है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है, तो आपको पता ही है। नहीं, उस हिसाब से जैसा आप चाहती हो, अगर आप इससे मिल करके शादी वादी कर दोगे, तो जो आप चाहती हो कि वो अपने पापा से मतलब ना रखे या कज़न से मतलब ना रखे, वो सब मामला हल हो जाए। बिल्कुल, एक बार आप इससे मीटिंग करो, मिल लो, ठीक है? आप मुझे बता देना, मैं इसको बता दूंगा, ये मैं भेज दूंगा, आपके घर पे ही भेज दूंगा, वहाँ मिल कर देंगे सब। हाँ, बाकी आपको लड़का पसंद है? हाँ, लड़का ठीक है, इसका पैकेज भी सही है। हाँ, मैं साल का लाइफ में और क्या चाहिए? हाँ, अच्छी इनकम ही तो चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है। ये भी करेगा, बेटी भी आईपीएस की तैयारी कर रही, दोनों मिलके करेंगे, बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगी। हाँ, सेटल हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। मतलब ये बहुत परेशान थी, लड़का नहीं मिल रहा था, कोई भी सुसाइड कर लूंगी, ये वो है, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मान रही है। मैं समझाया हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा करने से क्या होगा? टाइम के हिसाब से सब ठीक हो जाता है, आप बेफिक्र रहे, सही कोई बात नहीं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, इतना अच्छा लड़का ढूंढ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना, मैं इसको भिजवा दूंगा। एक बार आप लड़की से मिलवा दो, और तुम भी मिलना उससे, नॉर्मली बात करना, समझाना कि देखो माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मम्मी अगर ये सोच रही है उस लड़की के लिए, तो गलत थोड़ी सोच रहे हैं। बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो उसमें आगे चल के उनको नुकसान समझ में आता है। तो ये बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने तुमसे बोला। लड़का कामयाब है। हाँ जी। और ये हैंडल कर लेगा, ये समझा देगा उसके। और मैं भी चाहती हूँ हैंडल कर ले उसको अच्छे तरीके से। कोई नहीं, कोई नहीं, आप बेफिक्र। क्योंकि देखो वो बड़ी तो हो गई ना, लेकिन ये एक लड़की है, तो बचपना थोड़ा लड़कपन ज्यादा है उसके अंदर। टाइम के हिसाब से सब आ जाता है, आपको भी पता है। बाकी आप बेफिक्र रहे, मैं भी लेट रहा हूँ, मुझे भी साइड पे, साइड से ही आया डायरेक्ट, साइड से कॉल करके बुलाया, अर्जेंट ही आया था मैं भैया की कॉल पे। ठीक है फिर, ठीक है भैया। हाँ ठीक है। अरे रुको रुको, एक मिनट रुको। ये मेरी तरफ से आप शगुन रख लीजिए। नहीं नहीं, लड़का मिला है पहली बार, खाली हाथ थोड़ी जाने देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप रख लो ना, जब हम आपके घर आएंगे तब देना आप, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। बोलो ना, इनको ले लेंगे, रख लो। ठीक है ठीक है, चलो नमस्ते आंटी। ठीक है, मैं फोन करूंगा ना, तो एक बार आ जाना, या मम्मी के साथ जाके इनके घर पे एक बार विजिट मार लेना। ठीक है, चलो ठीक है। आपको आपका काम अब हो गया? हाँ, बहुत टेंशन, मेरी बहुत टेंशन हल्की हो गई है। आप लड़की को थोड़ा समझाना प्यार से। हाँ। और बोलना कि भाई लड़का कामयाब है, सरकारी नौकरी आजकल ढूंढने से नहीं मिलती, नहीं मिलती, और जब इसके पास है खुश रहेगी। और ये यहाँ तक भी बोला है कि जब वो आईपीएस में कोई भी प्रॉब्लम होगी पैसों की, तो ये हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ऐसा लड़का मिलता है? लड़का बहुत अच्छा है। वो चचेरा भाई, उसके चक्कर में पड़ने से क्या होगा? मेरी तो थू-थू हो जाएगी हर जगह, समाज में तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी मैं, कहाँ जाके मरूंगी भाई इतनी जवान बच्चे को लेके, और दुनिया दुनिया संसार में जाएंगे कहाँ? सही बात, कालक एक बार लग जाती है कभी साफ नहीं होती है। नहीं, ये बात आप समझते हो ना बेटा, इस बात को, तो यही मेरी दिन रात की चिंता है जो मुझे खाई जा रही है। कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, एक बार आप जा करके समझाओ, ठीक है? बात करो उससे जी, प्यार से समझाना। मैं आपके व्हाट्सएप पे फोटो वोटो भेज दूंगा लड़के का, आप उसको दिखाना, तसल्ली से बात करो,
बताना सारा कुछ, पहले फ़ोन पे बात कर लेना, उसके बाद घर पे बुला के मीटिंग करवा दो दोनों का एक बार, ठीक है। उसके बाद इसकी मम्मी से आप मिल लो, घर जाके आप एक बार उसके घर चले जाना, वो लोग आपके घर आ जाएंगे जी। बाकी तो निर्भर करता है आपकी लड़की पे, ठीक है। एक बार आप देख लो, ठीक है। चलो आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ घर तक, यहाँ पे अकेले बैठ के कोई फायदा नहीं। आ जाओ आप, चलो मेरे साथ।